हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉली ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको जो टिप देने वाली हूँ वो है अंडर आर्म्स से रिलेटेड। आपने अक्सर देखा है कि अंडर आर्म्स में पसीना बहुत आता है और बहुत स्मेल आने लग जाती है और ब्लैकिश भी बहुत हो जाती है। बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट होती है। इसके लिए मैं बहुत ही ईजी टिप देने जा रही हूँ आपको। उम्मीद है आपको ये टिप बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत इफेक्टिव लगेगा। इसे बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं इसे। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक ये आसान ब्यूटी टिप्स पहुँच सकें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए हमने लिया है एक नींबू का रस, और एक नींबू के रस के अंदर हमने 4 चम्मच डाला है रोज़ वाटर। मैंने दिव्या का रोज़ वाटर यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमने मिक्स कर देना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने किसी भी ऐसी बॉटल में, स्प्रे बॉटल के अंदर डालकर रख लेना है। आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं। आप 4-5 नींबू ले सकते हैं और उसके अंदर उसी हिसाब से आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं, और ऐसे ही किसी बॉटल में डालकर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आप नहाते हैं, नहाने के बाद आपने इसका स्प्रे कर लेना है। नहाने के बाद भी कर सकते हैं, वैसे भी आप दिन में 2-3 बार अपने अंडर आर्म्स पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी, स्मेल आने वाली। धीरे धीरे अंडर आर्म्स के अंदर जो ब्लैकिश है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये टिप बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसको बनाना भी बहुत आसान है और यूज करना भी बहुत आसान है। रोज वाटर भी बहुत आसानी से मिल जाता है और नींबू भी। तो आप इसे यूज करें और इसका लाभ उठाएं। इसका जो इफेक्ट है आप देखें, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और आसान टिप्स लेकर। थैंक यू।